Please be seated. Thank you, ladies and gentlemen, for being here at such a short notice. Aaj hamare beech kafi services ke representatives maujood hain. I will be heading this commission and will determine the nature of the charge sheet that has to be filed against Mr. Raghuveer Mehta and Dr. Vardhi. So, shall we please proceed? Sure. Sir, according to CBI and local police, General Zhang ki maut mein in logon ka koi direct haath nahi hai. Because we couldn't establish anything. But at the same time, we strongly suspect कि इनके मैजिक सूप का जनरल जैंग की मौत के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है. ओके. आपके मैजिकल सूप जैसे चमत्कारी दवाई बनाने का क्लेम करना और उसे बेचना इलीगल है. वो यू अवेयर अबाउट दिस? यस, पर हम लोग से प्रोडक्ट नहीं, हम तो डॉक्टर काका को बेचने मतलब मार्केट करने की कोशिश कर रहे थे. मिस्टर रघुवीर, आप अपने सूप में टाइगर के बॉडी पार्ट्स मिलाते थे? था सो समा वन था नी वन था सो समा था माय लिंगुन थांग सूप वन था. बेसिकली ये कह रहे हैं कि उन टाइगर के सबूतों का क्या हुआ? आपके प्रोडक्ट्स में एनिमल प्रोटीन पाया गया. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट टू अस? एनिमल प्रोटीन? एनिमल प्रोटीन तो दूध में भी तो होता है. तो फिर आपके प्रोडक्ट में आप क्या मिलाते थे? व्हाट अबाउट दिस होल टाइगर कनेक्शन? हाउ डज दिस होल थिंग वर्क एज एन एफ्रोडीजियाक मिस्टर मेहता? तो आपको मेरे सूप की रेसिपी जानने में इंटरेस्ट है? प्लीज जल्दी. अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं. बीस ग्राम इलायची पाउडर, 50 ग्राम शक्कर, 50-50 ग्राम काजू पिस्ता और अखरोट पर एकदम पिसा हुआ और 200 ग्राम मिल्क पाउडर. और क्या? इसे जब गर्म पानी में मिला के पेशेंट को पिलाते हैं तो पता है क्या बनता है? रबड़ी. Are you kidding us, Mr. Mehta? हाँ, इसी को तो गर्म पानी में घोल के हम पेशेंट को पिलाते हैं, रबड़ी. सिर्फ रबड़ी से इन सारे लोगों का क्योर हो गया? क्या प्लेसिबो, आभासी दवाई. ७० जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो साइकोलॉजिकल होती है, मेंटल होती है. तो पेशेंट को लगता है कि वो दवाई खा रहा है और उससे उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अच्छे से सेक्स को एंजॉय करता है. सिंपल से. मिस्टर मेहता, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज. अरे मैंने कौन सा गाली दी? अच्छा तो मैडम, आपको ना मेरी लैंग्वेज से प्रॉब्लम नहीं है, आपको ना ये वर्ड से प्रॉब्लम है. सेक्स सिंपल वर्ड छे, SEX, सेक्स नॉर्मल छे. पर डॉक्टर वर्दी को फेमस करने के लिए आपने जो तरीका अपनाया है वो गलत है. और डॉक्टर वर्दी ने पब्लिक फोरम पे अश्लील भाषण दिए, वो इलीगल है. और आपकी ऐसी हरकतों की वजह से ही आपको युगांडा से बाहर निकाला गया था. एक्सक्यूज मी सर, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? टॉन्सिल्स. आई एम वेरी सॉरी सर के इतने रिस्पेक्टेड कमिटी के सामने आपको मैंने ऐसे अश्लील बात करवाई. टॉन्सिल्स में अश्लील क्या है? अच्छा, टॉन्सिल के बारे में बात करना अश्लील नहीं है? फ्रैक्चर हो गया हाथ को, वो बात करना अश्लील नहीं है. अपेंडिक्स, डायबिटीज के बारे में बात करना अश्लील नहीं है? तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बीमारियों के बारे में बात करना अश्लील क्यों है भाई? वो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स नहीं है? क्या बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं प्राइवेटली कॉन्ट्राबैंड? अश्लील, हम ऐसे देश में रहते जहां किसी ने कहा है कि हमारा नेशनल पक्षी है ना मोर, जब वो मोर रोता है ना तो मोरनी उसके आंसू पी के प्रेग्नेंट हो जाती है, ये हमारा सोच है. मतलब ऐसे लोगों को अपनी सेक्स लाइफ तो छोड़ो, मोर की सेक्स लाइफ से भी प्रॉब्लम है. इनफ डॉक्टर वर्दी, वी रिस्पेक्ट योर इंटेंशंस, बट दिस केस इज नॉट अबाउट दैट.
So can we go back to the point? काका आप समझाओ नहीं। पूछो कुछ, सब तक बात जाएगी, पूछो। पूछो नहीं कुछ तो। मुझे ये सवाल पूछना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 130 करोड़ बने कैसे? कोई बता सकता है? क्या आसमान से टपके थे आप लोग? थैंक यू। क्या बगुला आप जब बच्चे थे कपड़े में लपेट के आपके आंगन में छोड़ के गया था? कि पेड़ पे ऊंगे थे क्या? सफरचंद की तरह ऐसा खींच के पेट पे से लाए थे क्या? हम सब इसी की देन है। हम सब करते हैं, जो नहीं करते ना, कम एंड टेक माय हेल्प, आई विल गिव यू फ्री एडवाइस। बात करे थे। हम सब करते, हमारे मां बाप भी करते, हमारे बाप दादा करते, उसके पहले करते, इसके लिए तो हम 130 करोड़ बन गए। बट वी आर टॉट कि नहीं, घुटन आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, शर्मिंदगी, दे मेक यू फील गिल्टी अबाउट इट। और फिर क्या होता है? विकृति। और उसकी वजह से मोलेस्टेशन, चाइल्ड अब्यूज, क्या क्या होता है, सेक्सुअल क्रिमिनालिटी, हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन होती है, बात नहीं करते कि ये प्रॉब्लम है, लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स गो टॉक टू सम प्रोफेशनल अबाउट इट, नो। फिर उसकी वजह से होता है डोमेस्टिक वायलेंस अफेयर्स एंड कैन एंड अप इन डिवोर्स। मैंने देखा है डिवोर्स। क्या आपके टॉन्सिल की वजह से कभी कोई डिवोर्स हुआ है क्या? बात करे तो मैं ये बात युगांडा में सिखाता था। फिर नई गवर्नमेंट आके बोले क्या कर रहे हैं, भागो इधर से। मैं भाग गया कायर की तरह, मैं भाग के अहमदाबाद में आके ये मैं स्मॉल स्केल में सब लोग को एडवाइस देता था। फिर एक दिन एक पेशेंट आया मेरे पास, मेरा दोस्त बन गया वो। बोला काका पैसा भी कमाएंगे, मैं बिजनेसमैन भी बनूंगा, मैन बनूंगा, और आपके अवेयरनेस सेंटर्स खोलेंगे हम, और अवेयरनेस हम फैलाएंगे। दिस वॉज द आइडिया। उसने मुझे हिम्मत दी। आई फील वेरी प्राउड दैट दिस यंग मैन टर्न मी फ्रॉम अ कावर्ड टू अ फियरलेस मैन। मैं एक बात आपको क्लियरली बोलता हूं, आज मैं युगांडा में नहीं हूं, आई एम इन इंडिया, दिस इज माई कंट्री। आप जो कहे मैं चुप नहीं रहूंगा। आप गोली मारो, मुझे लटकाओ फांसी से, मुझे मून पे भेजो, मून पे बैठ के मैं व्हाट्सएप मैसेजेस भेज के ये अवेयरनेस स्प्रेड करूंगा। दिस इज माई कंट्री एंड आई विल नॉट स्टॉप। वैसे आपके प्रोडक्ट के 60 रैंडम सैंपल्स हमने टेस्ट किए, एंड हियर इज द रिपोर्ट। नो एनिमल डीएनए, नो केमिकल्स, देयर इज नथिंग दैट्स ऑब्जेक्शनेबल। एंड द एनिमल प्रोटीन दैट वाज फाउंड वाज ड्यू